दोस्तों, PCS एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप PCS एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे PCS एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर, सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग जरूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और UPPCS मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, आ सकते हैं। अब देखिए, आज की डेट में हम लोग बात करेंगे बढ़ती बेरोजगारी और युवा। अगर आपसे पूछा जा रहा है बढ़ती बेरोजगारी और युवा, इन दोनों को रिलेट करके आपको उत्तर देना, तो सबसे पहली बात आपको बतानी है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बतानी है। फिर उसके बाद में युवाओं को जोड़ते हुए आपको बताना है। तो अब देखिए, बेरोजगारी सबसे पहले पार्ट में क्या है, भूमिका आपको बनानी है कि बेरोजगारी की स्थितियाँ, अगर आप चाहें तो जो स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों से आप जोड़ते हुए चीज़ों को बताते हुए आप बता सकते हैं, और या तो डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं बेरोजगारी का आशय क्या होता है। देखिए, बेरोजगारी का आशय बस इतना होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, इंसान है, उत्पादन कार्य में ना लगाना लगा होना, कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्पादन कार्य में नहीं लगा है तो उसको बेरोजगार कहा जाएगा। अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं कि जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं कि ऐच्छिक होते हैं कि भाई हमें कोई चीज़ें नहीं पसंद आ रही, हमें कोई चीज़ें जॉब करना नहीं अच्छा लग रहा, या हमें उत्पादन के कार्य में करना अच्छा नहीं लग रहा, हमें अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ की फैक्ट्री की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है या कंपनी की स्थितियाँ अच्छी नहीं है, या मेरे ही खुद की इच्छा नहीं है। तो एक तो हम खुद ही अपने आप को अपनी इच्छा के कारण बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम नहीं करेंगे, कोई भी उत्पादन कार्य नहीं करेंगे, तो ये क्या होता है, यह ऐच्छिक बीमारी हो सॉरी बेरोजगारी होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी, इसमें क्या है, खुद की इच्छा की वजह से आप खुद बेरोजगार होते हैं। तो देखिए, जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब दूसरे प्रकार की कौन सी होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप कार्य करने के इच्छुक हैं, आप कार्य करने के इच्छुक हैं, लेकिन जो प्रचलित मजदूरी है, जो दैनिक मजदूरी है, जितना भी आपको एक दिन का मिल रहा है, अगर उस रेट पर अगर आपको आपको रोजगार नहीं मिलता तो इसको क्या कहते हैं, इसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। कार्य आपको कार्य करने के लिए आप बहुत अच्छा मतलब कार्य कर रहे हैं और आपको कुछ कार्य ही करने को नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। इसको खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब देखिए, जो बेरोजगारी होती है तो इसमें संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल जो चेंज होते हैं, संरचना के स्तर पर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल जो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, तो ये लॉन्ग टर्म होती है, दीर्घकालीन होती है, ध्यान रखिएगा। और जो संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है, इसमें जब परिवर्तन होता है, यह किसके कारण आती है, परिवर्तन के कारण आती है, कि आपने चेंजेस कर दिए इंडस्ट्री सेक्टर में, आपने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिए जिससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, तो ये क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। दीर्घकालीन भी होती है कि भाई अगर आपको पता है कि पहले एक फैक्ट्री में 100 लोग काम करते थे, अब वहाँ का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कुछ तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से बाहर हुए, कुछ वहाँ के अच्छी अच्छी मशीनें आ गई, तो जो संरचना में परिवर्तन हुआ उसके कारण संरचनात्मक बेरोजगारी आती है।
अगले प्रकार की कौन सी है? अगले प्रकार की है छिपी हुई या प्रक्षण बेरोजगारी। छिपी हुई प्रक्षण बेरोजगारी जो होती है तो यह एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। कि जैसे मान लीजिए एक खेत है, एक खेत में जो परिवार के व्यक्ति हैं वो 5 व्यक्ति कार्य करते हैं, तो आप सोच कर देखिए। और जो एक खेत है, एक खेत को एक खेत में काम करने के लिए एक ही व्यक्ति पर्याप्त है, तो 4 व्यक्तियों की उत्पादकता तो शून्य हो गई ना। इसको क्या कहा जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी, कि 4 लोग बेरोजगार हैं लेकिन तब भी वो काम कर रहे हैं उसमें, तो इसको क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। ये मोस्टली क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। एक होता है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार का मतलब ये है कि कभी आपको नौकरी मिली, कभी नहीं मिली, बहुत बार ऐसा होता है। एक होती है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है? कि आप शिक्षित हैं उसके बावजूद भी आप बेरोजगार हैं, आपको काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, और उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ये भी चीज़ें आती हैं। एक होती है मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? कि जैसे मौसम के अनुसार, जैसे मान लीजिए जो लोग कूलर और पंखे का कार्य करते हैं, तो अब ठंडियों में तो कूलर और पंखे का कार्य बंद हो जाएगा, ठीक है, 6 महीने तो बंद हो जाएगा, तो उतने समय की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है, जैसे बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़े हैं, अब इधर हाल ही के समय में जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वही नहीं रिलीज़ किया जा रहा, ना रहेगा डेटा ना कोई समस्या खड़ी होगी। एक तो आंकड़े नहीं मिलते, आंकड़े जुटाए, क्योंकि देखिए ये जटिलता होती है, जो आंकड़े जुटाने की, आंकड़े जुटाने में काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, जिसके कारण आंकड़े की उपलब्धता नहीं हो पाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई एजेंसियां, सरकार की एजेंसियां और स्वतंत्र एजेंसियां भी आंकड़े जारी करती हैं, ठीक है। तो ये बेरोजगारी से संबंधित चीज़ें। अब देखिए बेरोजगारी के कारणों को जान लेते हैं कि बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है, गरीबी, निर्धनता। कि जैसे अगर आप स्वतंत्रता के बाद से देखेंगे तो स्वतंत्रता से पहले की स्थितियां, यहाँ पर शोषण किया गया, गरीबी आज की नहीं है। स्वतंत्रता यानी अंग्रेज़ों के आने के पहले हमारा देश बहुत अच्छा था। अंग्रेज़ों ने हर तरीके से शोषण किया, भारत का शोषण किया, उसी के फलस्वरूप जो एक गरीबी निर्धनता देखी गई, जिनमें बहुत बड़ा योगदान अकाल और बहुत सारी चीज़ों का भी रहता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, निर्धनता, गरीबी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये भी है बेरोजगारी के रीज़न। अगर देखेंगे अशिक्षा है भाई, हमारे यहाँ अच्छी जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। हमारे यहाँ समय समय पर अकाल आते रहते हैं। अब इस समय वर्तमान में अगर देखेंगे तो आप जोड़ सकते हैं कोरोना वायरस को जोड़ सकते हैं, कुपोषण। हमारे यहाँ देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं स्वतंत्रता के बाद से इस पर कार्य किया जा रहा है, वो चाहे पंचवर्षीय योजनाएं हो या बाद का काल हो, हर समय समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं की गई हैं, लेकिन कुपोषण की जो समस्या है अभी भी भारत में बनी हुई है। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात करते हैं, बेरोजगारी के कारणों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको जॉब लेनी है उसके लिए भी पैसा आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाति भी देखी जाती है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पैसा आपने दे दिया, देने के बावजूद सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका सरनेम क्या है। तो ये बेरोजगारी के कारण, जैसे एक व्यक्ति को नौकरी मिलने जा रही थी, उसने पैसे भी दे दिए लेकिन उसकी कास्ट की वजह से वह अनएम्प्लॉय रह गया। तो ये भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा, और ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह भेदभाव ही होता है, बहुत सारी जगह अच्छे से चीज़ें चलती हैं। तो है क्या कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं और जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ देखिए जो जनसंख्या है, जनसंख्या तो बहुत है लेकिन एक कुशल जनसंख्या नहीं है।
जैसे डेमोग्राफी के मामले में अगर हम लोग देखें तो भारत की अवस्था इस समय, भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी स्टेज में है भारत, लेकिन युवा हैं लेकिन एक कुशल प्रशिक्षित युवा नहीं है, ये भी अशिक्षित, मतलब कहते हैं शिक्षित युवा भी होने चाहिए, शिक्षित हों प्लस प्रशिक्षित हों, कुशल हों। तो कहने का मतलब यही है कि बेरोजगारी का कारण अब व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है, कोई भी कुशलता नहीं है, तो ऐसे में क्या है, यह भी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। दोषपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था, हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है ये भी बेरोजगारी को बढ़ाने में योगदान देती है कि भाई अगर आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वही अच्छी नहीं होगी तो आपकी सारी चीज़ें नहीं अच्छी हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक स्तर है, शैक्षणिक स्तर जो होता है, ढांचा जो है, उसमें परिवर्तन की बहुत ज़रूरी मांग है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और उसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप सोच कर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने से चीज़ें नहीं सही होंगी, आपको जो टीचर है, जो टीचर है और जो उसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और जो एक स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन जो होते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर संरचना का विकास भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्कूलों की स्थितियाँ हैं उनको भी ठीक करना पड़ेगा, तो दोषपूर्ण जो शैक्षिक ढांचा है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, जो भ्रष्टाचार है बीच में वो नहीं होना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए बेरोजगारी को बढ़ाने के कारणों को अगर देखते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा रीज़न जो माना जाता है, बढ़ती हुई जनसंख्या, अनियंत्रित जनसंख्या। इस समय वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे देश की आबादी थी वो 1 अरब 21 करोड़ थी, अब इस समय तक 1 अरब 37 करोड़ लगभग आसपास पहुंच रही है। अब सोच कर देखिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या को शिक्षा सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, लेकिन अब लोग ही अगर इस कदर बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट भी कहाँ तक देगी, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेरोजगारी का एक कारण बनता है। जाके आपको देखिए डायमेंशंस पर बात करनी चाहिए, जितनी भी आप डायमेंशंस देख सकते हैं, जो आपसे चीज़ पूछी गई है उसी का आप जवाब दीजिए, बढ़ती बेरोजगारी और युवा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में प्राकृतिक और पूंजीगत संसाधनों का भी अभाव है, कि जैसे देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो उनकी भी हो सकता है, प्लस उसके बाद में जो पूंजीगत संसाधन होते हैं उनका भी अभाव है हमारे यहाँ, तो ये भी एक बेरोजगारी को बढ़ाता है। जाके पूर्वाग्रह से ग्रसित सामाजिक ढांचा, अब कहने का मतलब ये महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, महिलाएं नौकरी नहीं करेंगी तो बेरोजगार होकर घर पर बैठे, ऐसा होता है, ऐसी ही चीज़ें चलती हैं, ठीक है, हमारे समाज में इसी तरीके का ताना बाना चल रहा है, बहुत सारे लोग जॉब ही नहीं करना चाहते, काम ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर ये पूरा का पूरा बेरोजगारी को बढ़ाते हैं जाकर, तो हमारा सामाजिक एक स्ट्रक्चर जो है वो भी प्रॉब्लम करता है, वो भी बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। आर्थिक प्रक्रिया की शिथिलता, कि जैसे देखिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अगर किसी को लगानी हो तो जो एक आर्थिक प्रक्रिया जो बढ़ने वाली होती है तो उसको भी वो स्लो कर देते हैं, कि जो सरकारी प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं, अगर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे कर दिए तो आपने क्या होगा, जितनी भी जो सरकारी प्रोसेस जो होता है गवर्नमेंट के अंदर, अगर एक फाइल को, एक कंपनी की फाइल जा रही है, कंपनी निर्माण करने की फाइल जा रही है, उसको अगर तेज़ी से कार्य हो जाए तो आपके यहाँ जल्दी से जल्दी जो कंपनी है या कोई उद्योग है
वो इस्टेब्लिश हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपको वहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जो ये भी एक कारण बनता है आके बेरोजगारी का। अगला क्या है, हमारे यहाँ संरचनात्मक यानी संरचना का भी अभाव है, जिसके कारण क्या होता है कि अब सोच के देखिए कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इस क्षेत्र होता है, ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं इसमें, ठीक है, काम करते हैं, अब हमारे यहाँ इस तरीके की संरचना ही नहीं होगी तो लोग कैसे एम्प्लॉय होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ संरचना का भी एक बेहतर संरचना का अभाव है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो बेरोजगारी को और पोस्ट करती हैं जाके और बढ़ाती हैं जाके, ठीक है। तो ये बेरोजगारी के कारणों को हम लोगों ने देखा। अब देखिए वर्तमान युवाओं की स्थिति को देख लेते हैं, तो देखिए वर्तमान में अगर देखेंगे तो करोड़ों युवा बेरोजगार हैं हमारे यहाँ, शिक्षित बेरोजगार पाए जा रहे हैं हमारे यहाँ। ये जो बेरोजगारी है, युवा ऐसा ही नहीं है कि शहरों में जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा जो हैं बेरोजगार हैं, वही बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। भाई आपने शिक्षा ले ली, सारी चीज़ें ले ली, अगर नौकरी ही नहीं मिली तो हम तो आज की डेट में बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थितियां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में होती हैं और इसीलिए कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ती जाती है। अब इसके बहुत सारी चीज़ें हैं कि युवाओं की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, कि हमारे यहाँ जैसे देखिए पूंजी प्रधान औद्योगिकरण हुआ है, हमारे यहाँ भारी उद्योगों को महत्व दिया गया है, हमारे यहाँ श्रम प्रधान नहीं है। और जो हमारे यहाँ श्रम प्रधान चीज़ें हैं भी, तो उनको भी पूंजी प्रधान औद्योगिकरण में परिवर्तित किया जा रहा है। अब सोच कर देखिए कि कोई एक फैक्ट्री में पहले 400 लोग काम करते थे, अब पूंजी लगाकर एक बड़ी मशीन खरीद कर लाई गई, जो मशीन अब एक व्यक्ति सिंगल व्यक्ति चला रहा है, तो 399 व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें हैं। देखिए जैसे वर्तमान में जो युवाओं की स्थिति है उसके बेहतरी के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, समय समय पर कार्य किए हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जैसे बेरोजगारी को समाप्त करने की नींव भी डाली गई थी। तकनीकी का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। तो देखिए तकनीकी के जब हम उपयोग करेंगे, इसकी बात करते हैं, तो हमें सीमित मतलब दोनों चीज़ों में अगर एक्सेस कर लेंगे तो भी ज़्यादा दिक्कत है, अगर नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। तो हर एक चीज़ को संतुलन बनाकर आपको प्रयोग करना होगा। अब देखिए सरकार के द्वारा जैसे देखिए रोजगार के लिए किए गए प्रयास कौन कौन से हैं, सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको बता देना है, कुछ योजनाओं का नाम दे देना है और कुछ डेटा अगर आपको कहीं से भी अगर एग्ज़ाम हॉल में याद रह जाता है तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कुछ डेटा कहीं से आप जो बेरोजगारी का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर मिल जाता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए रोजगार के लिए किए गए सरकारी प्रयासों में जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ट्राइसेम हो गया, मनरेगा हो गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गई, इसके साथ में और कौन कौन सी योजनाएँ सरकार ने करी हैं, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वयं सिद्धा योजना और कौशल विकास कार्यक्रम 2015 में स्टार्ट किया गया था। अभी इन सारी चीज़ों को आप इसमें बता सकते हैं। स्वावलंबन योजना हो गई। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें की गई सरकार के द्वारा समय समय पर, लेकिन आज की डेट में जो बेरोजगारी का स्तर है वो अभी बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो चीज़ें हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ, हुआ इसीलिए क्योंकि जो योजनाएं थी उनका क्रियान्वयन या उसको लागू सही तरीके से नहीं किया गया। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार योजनाओं में बहुत ज़्यादा है, लोगों में जागरूकता नहीं है, बहुत सारी योजनाएं आती हैं लोगों को पता ही नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक सरकार की तरफ से कार्य किया जाना चाहिए कि जो योजनाएँ चल रही हैं बेरोजगारी को दूर करने वाली, तो युवाओं को तो कम से कम पता होनी चाहिए ना, तो उसको प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए।
अगली चीज़ क्या है, देखिए लास्ट में अंतिम में आपको बढ़ती बेरोजगारी कारण निवारण और उपाय आपको सारी चीज़ें बतानी, फिर लास्ट में जाके आपको निष्कर्ष देना है, ठीक है। तो उपाय की जहाँ तक बात करते हैं, तो अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी को अगर आपको दूर करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक संरचना में परिवर्तन लाना होगा, जो हमारे यहाँ शैक्षणिक ढांचा है उसमें परिवर्तन लाना होगा। तो शिक्षा का व्यय आपको बढ़ाना होगा, एक शिक्षा पर एजुकेशन पर जो एक बजट एलोकेशन जो होता है, बजटी एलोकेशन जो होता है उसको बढ़ाना होगा। आर्थिक निवेश आपको करना होगा, अर्थव्यवस्था में एक इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो चाहे FDI हो चाहे घरेलू निवेश हो, हर प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे नई नई औद्योगिक इकाइयाँ, वो चाहे आपका कृषि क्षेत्र में हो या आपका उद्योग क्षेत्र में हो या सर्विस सेक्टर में हो, सभी क्षेत्रों में अगर निवेश होगा तो आप लोगों को वहाँ पर रोजगार दे सकेंगे, नए रोजगार सृजित होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी महत्व देना होगा, इस क्षेत्र में भी आपको बढ़ावा देना होगा, प्लस इसके साथ में भी आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को भी हर तरीके से करना होगा। देखिए जो बेरोजगारी है इसको दूर करने में बहुत सारी जो जैसे मान लीजिए योजनाएं जो हैं उनमें एक जवाबदेही होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार है वो ना हो सके, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको कठोर कानूनी कार्रवाई उस पर की जानी चाहिए। कृषि में निवेश होना चाहिए, लघु एवं कुटीर उद्योग जो होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, छोटे मझोले जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे अब जैसे पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, जितने भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको उठाने के लिए, आपको जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको उठाने के लिए आपको सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, जिससे वो अलग अलग कार्य, छोटे छोटे कार्य स्टार्ट कर सकें और अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकें। देखिए किसी भी सेक्टर का व्यक्ति हो, अगर वो रोज़गार उसको मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में भी आपकी मदद करेगा, अर्थव्यवस्था का भी विकास करेगा। तो सारी की सारी चीज़ें, और इसके साथ में कुछ चीज़ें हैं कि जैसे व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और दिया भी जा रहा है, वर्तमान में कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हैं। और अंतिम में लास्ट में आपको बताना है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी और युवा, पूरा एक होल सोल में दो चार लाइनें आपको पैराग्राफ निष्कर्ष के रूप में देना है, और कोटेशन का आप लोग जरूर इस्तेमाल करिएगा, कोटेशन का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिएगा। देखिए आप जब ज़्यादा के जैसे एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे, एग्ज़ाम हॉल में आपको वहाँ पर